स्वामी प्रसाद मौर्य धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये कहते हैं वो भस्मासुर है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य अब भाजपा को जलाने चले और भाजपा ने फिर उनको भस्म कर दिया। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चाहे इन जैसे जितने भी पिछलग्गू दल बदलू, और आज के बाद बिल से बाहर नहीं निकलेगा। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव में दम भर रहे थे, कह रहे थे ये कर देंगे वो कर देंगे, आखिरकार हुआ कुछ नहीं यूपी में। देखिए हिंदू आर्मी के जो फाउंडर है उन्हें ये कहते हैं वो भस्मासुर है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले पूछिए कैसे? कैसे जी भाई, देखिए उनको भाजपा ने बनाया और उनको घमंड आ गया, अब वो भाजपा को जलाने चले और भाजपा ने फिर उनको भस्म कर दिया। तो भोले बाबा का आपने स्टोरी आपने सुना होगा, तो भस्मासुर है और कुल मिला के विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश होने का जब समय आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अब जो दुर्गति होने वाली है मैं ये समझता हूं कि शायद उसकी बेटी को भी अब भारतीय जनता पार्टी निकाल ही देगी। मुझे लग रहा है कि इसने जो तांडव किया है, जो नौटंकी किया है पूरे चुनाव के दौरान, मैं ये समझता हूं उसका घमंड चूर चूर हो गया। देखिए ये योगी काल है, ये मोदी काल है, अब कहीं ना कहीं भगवा का उदय हो रहा है, पुनः सनातन की स्थापना होने जा रही है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने जा रही है, हम उस तरह अग्रसर है, उसमें जितने भी धर्मी आएंगे इसी तरीके से चूर चूर हो जाएंगे। स्वामी प्रसाद के बड़े बड़े दावे सारे फेल हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहता था कि मैं जिस पार्टी में रहता हूं वही पार्टी राज करती है, ठीक है। मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे लोग उनको, नहीं मौसम विज्ञानी, देखिए मौसम विज्ञानी हमने बताया नहीं कि वो भस्मासुर है, उनको जिन्होंने भाई देखिए पिछली बार उन्होंने जब पहली बार जीते तो मायावती जी के लहर में वो जीत गए, ठीक है, उस समय बड़ा जाति पाति चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके पहले 2017 में जब आए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद था, और जो वोटर थे वो 80% 90% भाजपा के थे, और चलो 2-4-5% उनके पर्सनल वोटर हो सकते हैं, उस टाइम पे लहर थी, तो भाई हिंदू वोटर है भाई, वो मौर्य है तो मौर्य हमारा हिंदू भाई ही तो है, हमारा अभिन्न अंग है, मौर्य वंश में हमें नाज है। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखिए पूरा राजपाट दिया, कहने का मतलब ये है कि वो हमारा अभिन्न अंग है। लेकिन दिक्कत इसी बात का है कि जब हम इसी तरह से यादव पे आते हैं तो कृष्ण भी कृष्ण के वंशज जो है, मतलब कृष्ण भी यदुवंशी थे और कंस भी यदुवंशी था, लेकिन देखिए एक जो है कंस निकला मतलब राक्षस निकला और एक जो है उन्होंने लोगों का कल्याण किया। तो उसी तरीके से हर घर में जो है विधर्मी कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो ये विधर्मी को बहुत बड़ी सजा इस चुनाव में मिली है, और आप देखिएगा आज के बाद बिल से बाहर नहीं निकलेगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप जरूर उसका इंटरव्यू लें कि क्या हुआ भैया, तुम जिस पार्टी के साथ रहते हो उसकी लुटिया डुबोते हो, तो उल्टा हो गया, तुम बोलते थे जीतेंगे और तुम लुटिया डुबो दिए। वैसे भी आपको बता दें हिंदू आर्मी की भाषा में ये सारे के सारे विधर्मी हैं, और इन विधर्मियों का नाश होना बहुत जरूरी कि आप इसी तरीके से आपको लोग जात पात में बांटते रहेंगे, आप हिंदुत्व पे अड़े रहना, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चाहे इन जैसे जितने भी पिछलग्गू दल बदलू और मौसम वैज्ञानिक कह लीजिए या वही धोबी कुत्ता ना घर के घाट के कह लीजिए, आप डायरेक्ट वो कहना ठीक नहीं रहेगा, वो कुत्ता बहुत वफादार होता है, उसका नाम लेना उचित नहीं।